हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के सबसे पहले दो फॉर्म होते हैं, एक होता है वेव फॉर्म और दूसरा जो होता है दैट इज़ पार्टिकल फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म होते हैं लाइट के। आपका जो लाइट जब पार्टिकल फॉर्म में होता है तो ऑब्वियसली हमने बोले कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और पार्टिकल फॉर्म जो लाइट का, इट एक्सप्लेन्स अ फिनोमेनन विच इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आज हमारे को रिफ्लेक्शन पे डिस्कशन शुरू करना है। तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी समझेंगे, जिसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, एक वॉल है। एक वॉल है सपोज, दीवार, और एक बच्चा, एक नहीं दो बच्चे हैं, टू स्मॉल किड्स। ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं, बॉल फेंक रहे दीवार पे। ये जो बॉल है ये दीवार पे जब फेंका जाएगा तो क्या होगा कि ये दीवार से टकराएगा बॉल, और इसका रास्ता पलट जाएगा एंड इट विल रिटर्न टू पर्सन बी। दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। एक बंदा क्या करता, दीवार पे बॉल फेंकता है क्रॉस तरीके से, तो क्या होगा, ये बॉल दीवार से टकराएगा और दूसरे बंदे के पास आ जाएगा। ये बंदा जो है क्या करेगा, फिर से दीवार पे बॉल फेंकेगा। दीवार पे बॉल फेंकने के बाद में ये पलट के किसके पास जाएगा, दूसरे बंदे के पास में। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम बोल सकते हैं कि आपका जो बॉल है ये पर्टिकुलर एक्टिविटी में ये हो रहा है बाउंस। इट इज़, ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ बाउंसिंग बैक। क्या हो रहा है, ये बाउंसिंग बैक। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, आपका जो बॉल था ये बॉल को वॉल ने क्या किया, फिर से झांपे से आया था उसी जगह पे वापस भेज दिया। या अपन बोल सकते, द बॉल वॉज सेंड बैक। क्या बोलेंगे हम, बॉल वॉज सेंड बैक। इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है, आप अगर सपोज दीवार है आपके सामने, आप उस पर अगर बॉल फेंकते हो तो वो पलट के वापस आएगा। ठीक है, बचपन में इसको कैच कैच बोलते थे बहुत से छोटे छोटे बच्चे, मैं भी खेलता था, आप भी खेलते होंगे सीधी सी बात। अब ये जो प्रिंसिपल है इसको हम रिलेट करेंगे लाइट से। अगर सपोज आपके पास में किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ठीक है, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है आपको। आपके पास में सरफेस है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सरफेस मतलब जो ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम सरफेस बोलेंगे। ठीक है, सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो ये भी एक सरफेस है, सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपके पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का एक सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं। सरफेस के दो टाइप होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेसेस। ठीक है, तो दो टाइप ऑफ सरफेस होते हैं। पहला जो होता है दैट इज पॉलिश्ड सरफेस, मतलब एकदम चिकना प्लेन टाइप का सरफेस रहेगा, और दूसरा जो रहेगा दैट इज रफ सरफेस। ठीक है, दो टाइप के सरफेसेस होते हैं। ये जो मैंने सरफेस निकाला दैट इज हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ये जो सरफेस है ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। मैं क्या कर रहा, हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूँ। मैंने लाइट का डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन बताया हुआ है, आपको भी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन बताना है लाइट का। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिख लो। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है रे ऑफ लाइट का। मैं जितनी सारी चीज़ें बताते जाऊँगा सब आपको एक एक करके लिख लेना है। ठीक है, रे ऑफ लाइट, व्हाट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हैविंग एन एरो ऑन इट, हैविंग एन एरो ऑन इट, दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या रहता, आपकी लाइट स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में चल रही है। जब आपकी लाइट स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में चलेगी ना तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग अ लाइन, और ये लाइन पे हम क्या एक निकालेंगे, एक एरो। ये एरो का मतलब होता है कि लाइट की डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, लाइट की डायरेक्शन। जब भी हम स्ट्रेट लाइन पाथ रिप्रेजेंट करते लाइट का बाय यूजिंग एन एरो, देन इट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। उसको हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। आपके पास में रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रहा है किस पे, इंसिडेंट मतलब टकरा रहा। हम क्या कर रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट फेंक रहे हैं किस पे, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे।
जब रे ऑफ लाइट हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे थ्रो किया जाएगा, फेंका जाएगा, तो क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट टकराएगा किससे, सरफेस से। अब सरफेस क्या करता है, सरफेस इसका डायरेक्शन बदल देता है, इसको वापस से भेज देता है किसके पास, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी आपने रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करवाया किस पे, एक सरफेस पे, ये सरफेस हाईली पॉलिश था, ये सरफेस ने क्या किया, ये सरफेस ने लाइट का जो डायरेक्शन था वो चेंज कर दिया, मतलब पलट के फिर से लाइट जो डायरेक्शन से फेंकी गई थी वही डायरेक्शन में रिटर्न हो जा रही है। दैट मीन्स दिस सरफेस सेंट बैक द इंसिडेंट लाइट, आपकी जो लाइट का जो रे था जो आपने इंसिडेंट करवाया था उसको फिर से वापस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज दिया ये पर्टिकुलर सरफेस ने। जैसे हमारा बॉल का कंसेप्ट था, हमने बॉल दीवार पे फेंके तो दीवार से टकरा के बॉल पलट के हमारे पास वापस से आता है, उसी तरीके से लाइट का भी कंसेप्ट होता है। ये जो फिनोमिनॉन है या जो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, या फिर आप इंसिडेंट लाइट भी बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ध्यान से सुनो, हमने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाए किस पे, एक सरफेस पे, ये सरफेस अभी हम पॉलिश सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे भी सरफेस हम कंसिडर कर सकते हैं, रफ सरफेस और पॉलिश दो टाइप के सरफेस होते हैं, बट अभी के लिए हम एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक पॉलिश सरफेस है। हमने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराए, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाने के बाद में क्या हो गया, इसका पाथ चेंज हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, पलट गई हमारी पूरी लाइट की डायरेक्शन, तो सीधी जा रही थी, टकराने के बाद क्या हो गया, उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो गया, जो डायरेक्शन से आ रही थी वही डायरेक्शन में क्या हो गया, हमारी लाइट पलट गई, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे द फिनोमिनन ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, व्हाट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो जल्दी से डेफिनेशन लिखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम इसे बोलेंगे द फिनोमेनन ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द फिनोमेनन ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन इट स्ट्राइक्स सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने लाइट फेंके, पलट के फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, लाइक दैट ऑफ पर्सन थ्रोइंग अ बॉल ऑन अ वॉल इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के लिए कितने टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं, हम ऐसे बोलेंगे देर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, एक जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिफ्लेक्शन, और दूसरा वाला जो होता है उसको हम बोलेंगे डल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी देयर, रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डल रिफ्लेक्शन, ठीक है। हम इसको डल या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डल से ज़्यादा सही टर्म रहेगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिफ्लेक्शन, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर बच्चों, दो टाइप, एक पहला जो रहेगा दैट विल बी डिफ्यूज, दूसरा जो रहेगा नॉर्मल। अब हमने बोले थे कि दो टाइप के सरफेस होते हैं, ये जो सरफेस है खरबड़ा है, मतलब ये रफ सरफेस है, दिस सरफेस इज रफ, ठीक है, स्मूथ नहीं है, और ये जो है इट इज हाईली पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड, पॉलिश्ड का मतलब स्मूथ होता है, हाईली पॉलिश सरफेस यानी कि एक स्मूथ सरफेस है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप क्या कर रहे हो, वेन एवर यू इंसिडेंट अ रे ऑफ लाइट ऑन, अब सपोज दो तीन रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट करवाया यहाँ पे, द बंच ऑफ और द बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट का भी डेफिनेशन अभी लिखा दूंगा मैं, व्हाट इज कॉल्ड एज बीम, कलेक्शन और बंच और बंडल, कलेक्शन और बंच
और बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज बीम। बहुत सारे रेज ऑफ लाइट जब साइमल्टेनियसली साथ में आ जाते हैं उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। दो टाइप के बीम होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपके पास एक रफ सरफेस है और दूसरा एक हाईली पॉलिश सरफेस है, ठीक है। आपने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट यानी कि लार्ज नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करवाए। जैसे ही आप रेज ऑफ लाइट एक रफ सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हो तो क्या होगा, ये जो आपकी रे ऑफ लाइट है ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होना चालू हो जाती है। आपकी जो रे ऑफ लाइट है ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होना चालू हो जाती है। जब भी आपकी रेज ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होना चालू हो जाएगी तो इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे। कौन सा वाला रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या रहेगा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट और अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस। रफ सरफेस मतलब खरबड़ा। जब आपका रे ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो रे ऑफ लाइट रफ सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होना चालू हो जाता है, रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहेगा। जब भी ऐसा काइंड का रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा ना उसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में जैसे कि रे ऑफ लाइट किसी चेयर पे, किसी बुक पे या किसी इंसान पे जब इंसिडेंट होती है तो उससे जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। अगर सपोज रे ऑफ लाइट हमारे बॉडी पे अगर इंसिडेंट हो जाए तो उससे कौन सा रिफ्लेक्शन मिलेगा, उससे रिफ्लेक्शन मिलेगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और अगर सपोज रे ऑफ लाइट है और रे ऑफ लाइट अगर सपोज मिरर, मिरर मतलब हमारा कांच, अलग अलग प्रकार के शेप के कांच होते हैं, ड्रेसिंग टेबल के सामने आप खड़े रहते हो और कांच, तो जैसे कांच पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है ना तो क्या होगा, उससे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। नॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन इसकी रहेगी, इसमें डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर, कमन बोलो कितने टाइप रहेंगे, दो। कौन कौन से, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज और नॉर्मल रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहे, सरफेस पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन में डेफिनेशन में हमने सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोला है। दो टाइप के सरफेस होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ, इसीलिए दो टाइप के रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। रफ सरफेस पे लाइट अगर इंसिडेंट की जाए तो रिफ्लेक्शन जो रहेगा दैट इज डिफ्यूज्ड, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड होना चालू हो जाएंगी और इसमें एक ही डायरेक्शन में आपकी रे ऑफ लाइट पलट के आएगी, इसको हम बोलेंगे कौन सा वाला रिफ्लेक्शन, दिस विल बी नॉर्मल रिफ्लेक्शन, और जो आपका सरफेस रहेगा दैट विल बी हाईली पॉलिश्ड। तो रिफ्लेक्शन इज सेंडिंग फिनोमेनन ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं आप। फिनोमेनन ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कब होता है, जब आपकी लाइट किसे टकराएंगी, सरफेस से। सरफेस के टाइप होते हैं दो, रफ और स्मूथ। रफ पे अगर लाइट टकराए तो उसे होता है डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, और अगर सपोज लाइट टकराती है किसे, पॉलिश्ड सरफेस से, हाईली पॉलिश सरफेस से अगर लाइट टकराती है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी नॉर्मल रिफ्लेक्शन। इट हैज ओनली वन डायरेक्शन। तो ये जो इसके आगे का भी मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊंगा अभी आपको, ये होती इंसिडेंट रे, ये होती रिफ्लेक्टेड रे, तो इनके बीच का एंगल कॉन्स्टेंट रहता है। इसमें एंगल चेंज हो जाता है, इसके डिस्कशन अभी आगे होने ही वाले हमारे, ठीक है। तो ये बेसिक से रिफ्लेक्शन के टाइप है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्फेसेज, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रे ऑफ लाइट और बीम। व्हाट इज कॉल्ड इज रे ऑफ लाइट, द पाथ विच इज रिप्रेजेंटेड। द रे ऑफ लाइट मतलब ऐसा रहेगा कि हमारी लाइट जो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन निकालते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, उसको हम रे ऑफ लाइट बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट और बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज बीम, उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, हम बेसिक्स देखेंगे रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। बेसिक्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हाईली पॉलिश्ड सरफेस आएगा जिसको हम बोलेंगे ग्लास, या फिर जिसको हम बोलेंगे मिरर। बेसिकली मिरर समझना है हमारे को, हमारे चैप्टर्स में मिरर्स पे डिस्कशन बहुत रहने वाला है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन
जनरली पूछा जाता, विच इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसपे से बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसपे अगर लाइट इंसिडेंट हो जाए तो बहुत इजीली रिफ्लेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट होती है। तो मुलिंग सिल्वर, सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर जो होता है उसको हम बोलेंगे इट इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ये एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट इज डैश, तो आपका आंसर रहेगा सिल्वर। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिरर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिरर। अब मिरर के टाइप कितने रहेंगे? दो टाइप के मिरर रहते हैं, एक जो रहता दैट इज प्लेन मिरर, हमारे सिलेबस में जो हमारे को पढ़ना है वो, और दूसरा जो होता है दैट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स, कितने टाइप के मिरर्स समझने हमारे को? पहला होगा प्लेन मिरर और दूसरा रहेगा स्फेरिकल मिरर्स। पहला रहेगा एक प्लेन मिरर और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या रहता, कैसे बनाया जाता है वो हम पहले समझ लेते, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके लॉज देखेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर चालू होगा। प्लेन मिरर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो अब ध्यान से सुनना है, व्हाट इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर्स जो रहेंगे, मिरर्स, उसमें आपके पास में रहेगा ग्लास। यू विल हैव ग्लास, सपोज ये ग्लास शीट है, रेक्टेंगुलर शीट में काटी गई एक ग्लास की शीट है, ठीक है। दिस इज अ ग्लास शीट विच इज कट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। थ्री डायमेंशनल निकालने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये आपकी एक ग्लास शीट है सपोज। अब ये ग्लास शीट जो है ये प्लेन है, इसका मतलब मैंने इसमें कोई बेंड वगैरह निकाला नहीं, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, ये हाईली पॉलिश्ड है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो हमारी ग्लास शीट है इसको मिरर में कैसे कन्वर्ट करना। आपके पास दो सिंपल से चॉइस है सरफेसेस के, क्या करना है आपको, ये जो सरफेस है दिस इज फ्रंट सरफेस, और इसके पीछे जो रहेगा उसको हम बैक साइड बोलेंगे। जनरली बैक साइड मतलब पीछे का हिस्सा, ह्यूमन बीइंग के लिए जनरली बैक साइड बोला जाता है, और इसको बिहाइंड बोल सकते हैं आप, बिहाइंड, या फिर बैक साइड बोल सकते हैं, बैक साइड ऑफ मिरर। अब सॉरी, बैक साइड ऑफ ग्लास, अभी तक मिरर तैयार नहीं हुआ है। दो बाजू इसके, एक सामने और पीछे की। अब ग्लास शीट में मेन पॉइंट क्या होता है, पीछा पिछला जो हिस्सा है, ठीक है, सपोज दिस इज बैक साइड, ये जो मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ दिस इज बैक साइड ऑफ ग्लास, बैक साइड ऑफ ग्लास। आपका जो ग्लास का बैक साइड है ना, उस पर जनरली एक सिल्वर की फिल्म तैयार की जाती है, उस पर एक सिल्वर की फिल्म क्रिएट की जाती है, सिल्वर उस पर कोट किया जाता है। ऑन द बैक साइड ऑफ ग्लास, ऑन द बैक साइड ऑफ ग्लास शीट, ग्लास की जो शीट है उसके जो बैक साइड है, उसके बैक साइड पे, उसके बैक साइड पे क्या किया जाता है, कोट, उस पर कोट किया जाता है सिल्वर। सिल्वर का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज इजी, सिल्वर की एक बारीक सी फिल्म तैयार की जाती है, और ये फिल्म स्क्रैच नहीं होना, मतलब आपने अगर इसको नाखून लगा दिए तो फिल्म स्क्रैच हो जाएगी, तो वैसा आपको स्क्रैच उस पर आने देना नहीं है, इस पर स्क्रैचिंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए क्या किया जाता है, ये जो आपका सिल्वर जो है कोटिंग, उसको उसके ऊपर से एक कलर या फिर पेंट किया जाता है। सपोज कलर जो है हमारा दैट इज रेड, रेड कलर इस पर किया जाता है। आपके पास में ग्लास शीट है, ग्लास शीट में आपके पास में क्या है, आपने क्या किया, ग्लास शीट का पिछला हिस्सा लिए बैक साइड, ठीक है, ये दो दो साइड है, जैसे कि जैसे सपोज मैं एक डब्बा लेके बताता हूँ यार रोटरी का, ठीक है, ये सपोज फ्रंट साइड है, दिस इज बैक साइड। तो आपको क्या करना है, बैक साइड जो है ना, ये बैक साइड को आपको कोट करना है, कोट किससे, सिल्वर से, सिल्वर की कोटिंग कर देनी, और इसके ऊपर क्या कर देना है आपको, इसके ऊपर कलर लगा देना है। कलर कौन सा, या रेड या ब्राउन, दोनों में से कोई भी एक कलर लगा सकते हैं। अब रीज़न जनरली ये कि उसमें हम क्यों करते हैं ऐसा कोटिंग कलर वगैरह, उसका रीज़न ये है
ये स्क्रैच नहीं होना चाहिए सिल्वर, सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब क्या होगा, अब अगर सपोज आपने रे ऑफ लाइट पीछे अगर इंसिडेंट करवाए तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने कोटिंग वगैरह कर दी है। फिर क्या करना है आपको, आपका जो ग्लास शीट है उसके सामने के फेस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाना है, सामने के फेस पे, सामने का ये जो फेस है ये फेस पे कोटिंग वगैरह की गई नहीं, कोटिंग कहाँ थी, पीछे, ठीक है। आपको रे ऑफ लाइट सामने के फेस पे इंसिडेंट करवाना है। जैसे आप रे ऑफ लाइट सामने के फेस पे इंसिडेंट करवाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि रे ऑफ लाइट टकरा के, ये रे ऑफ लाइट किससे टकराएंगे, हमारे ग्लास शीट से, और उसका रास्ता यानी उसका डायरेक्शन जो है पलट जाएगा, यानी ये जो आपका ग्लास शीट है इट विल सेंड बैक द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ ग्लास। ये जो ग्लास है जिसमें आपने कोटिंग कर दी पीछे, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज मिरर, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज मिरर। तो सबसे पहली चीज कि आपको प्रोसेस मालूम रहना कि मिरर तैयार कैसे किए जाते हैं। मिरर्स के दो टाइप है, पहला जो रहेगा दैट विल बी प्लेन, दूसरा जो रहेगा स्फेरिकल। प्लेन मिरर कैसे तैयार होते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लेन ग्लास शीट लेनी है, प्लेन ग्लास शीट का पिछला हिस्सा जो है दिस वन, पिछला हिस्सा उसको आपको सिल्वर कोट करना है, सिल्वर की फिल्म उस पर चढ़ा देनी है, फॉइल। अब ये सिल्वर बेस रिफ्लेक्टर है लाइट का, ये फिल्म को धक्का नहीं लगना चाहिए, देयर शुड बी नो स्क्रैचिंग। इसके लिए आपको सिल्वर के ऊपर कलर पेंट कर देना है, ठीक है। जैसे आपने कलर पेंट कर दिए, अब आप अगर रे ऑफ लाइट सामने के स्ट्रक्चर पे यानी सामने के फेस पे अगर इंसिडेंट करवाते हो तो लाइट उसका डायरेक्शन पलट देगी, लाइट विल बाउंस बैक, ठीक है। तो ये जो ग्लास शीट है अब आपकी जिसमें आपने कोटिंग वगैरह कर दी है, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज मिरर, और ये मिरर को हम प्लेन मिरर बोलेंगे। इट विल बी अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। तो व्हाट इज कॉल्ड एज मिरर, या हाउ डू यू प्रिपेयर प्लेन मिरर, कंसिडर अ ग्लास शीट, ऑन बैक साइड ऑफ ग्लास शीट कोट सिल्वर, एंड आफ्टर कोटिंग विथ सिल्वर पेंट विथ डार्क कलर लाइक ब्राउन और रेड। द फ्रंट पार्ट, इफ यू कंसिडर लाइट इंसिडेंट ऑन फ्रंट पार्ट और फ्रंट फेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लास शीट, देन इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग लाइट, बिकॉज उसके अंदर का सिल्वर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा, और जैसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन चालू हो गया तो ये ग्लास को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज मिरर, ठीक है। तो ग्लास शीट व्हेन कोटेड विद सिल्वर ऑन बैक साइड विल बी कॉल्ड एज मिरर, और ये मिरर को हम प्लेन मिरर बोलेंगे, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज प्लेन मिरर। ये तरीका होता है प्लेन मिरर बनाने का। जैसे ही प्लेन मिरर आपका तैयार हो गया, ठीक है, तो इसके रिलेटेड इसका नोटेशन कैसा रहेगा, हर बार हम मिरर थोड़ी निकलते बैठेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम यूज करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन निकाल लो, ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन विल स्टैंड फॉर प्लेन मिरर। इसका ये सामने का पार्ट, ये पीछे का पार्ट, पीछे का पार्ट जो है जिस पर हमने सिल्वर कोट किया था और उसके ऊपर कलर अगर लगा दिया हमने, तो वो इस तरीके से छोटे 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 स्लैश या डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है, ये स्ट्रेट लाइन निकालने के बाद में आपको जो पिछला हिस्सा है हमारे मिरर का, उसको आपको क्या करना है, मार्किंग कर देने के स्लैश से। ये जो पार्ट रहेगा दिस विल बी नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये रहेगा नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ मिरर, ये मिरर का नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट रहेगा। सेकेंड चीज, ये जो आपका सामने का पार्ट है इट विल बी रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये होगा रिफ्लेक्टिंग फेस या रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अभी रिफ्लेक्टिंग पार्ट का मतलब क्या रहेगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट का मतलब क्या रहेगा, अगर आपने इस साइड अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाए तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इस साइड अगर आपने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाए तो ये आपका जो सरफेस है इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग लाइट, ठीक है। तो ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मिरर को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग एम एम डैश, एम एम डैश का मतलब मिरर होता है, एम एम डैश। हमेशा जब भी मिरर निकालते बच्चे गलती ये करते कि वो पिछले हिस्से पे इस तरीके से लाइनिंग नहीं निकालते, आपको लाइनिंग निकालनी है वो भी क्रॉस टाइप की, यानी कि ये रहेगा नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग पार्ट,
एंड नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगेट, नेवर एवर फॉरगेट टू राइट MM-, MM- लिखना आपको कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। ये हो गया मिरर, मिरर का रिप्रेजेंटेशन कौन सा टाइप मिरर का, प्लेन मिरर। अब जनरली जब भी आप रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे प्लेन मिरर पे ना, ठीक है, तो उसके रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन, बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है वो हम आज समझ लेते हैं। सपोज यू हैव अ मिरर, मिरर को निकालते टाइम याद ये रखना है स्लैश MM-, ये हो गया प्लेन मिरर। हमेशा ऑब्लिकली आपको रे ऑफ लाइट बताना है। मैं ऑब्लिकली क्यों वो भी बताऊंगा। सपोज आपने ऑब्लिकली रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाया, जो रे ऑफ लाइट सोर्स से निकलती है, सोर्स मतलब जहाँ से लाइट प्रोड्यूस होगी, जो रे ऑफ लाइट सोर्स से निकलती है और मिरर को टकराती है, ये वाले रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट आपकी जो टकरा रही है आपके मिरर पे, रे ऑफ लाइट जो सोर्स से निकलती है और मिरर से टकराती है, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे मिरर को रे ऑफ लाइट आके टकराती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे रे ऑफ लाइट आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को टकराएंगे मिरर पे, तो यहाँ से ये पलट जाएगी, इट विल बी सेंट बैक। अब ये जो रे ऑफ लाइट है, जो पलट जाती है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ध्यान रखना है, तीन टाइप रहेगा, तीन सिंपल से डेफिनेशन। व्हाट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द मिरर, द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। द पॉइंट एट विच द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, जो रे ऑफ लाइट फेंकी जाती है किस पे, मिरर पे। जो रे ऑफ लाइट मिरर को टकराएंगी जो पॉइंट पे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा। आपकी रे ऑफ लाइट यहाँ से पलट जाती है स्ट्राइक होने के बाद, जब भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक होने के बाद में पलट जाती है, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड। अब ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे आप एक ऐसी परपेंडिकुलर चीज निकाल सकते, एक परपेंडिकुलर आपको निकालना है, ठीक है। दिस मिरर, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर निकालना है। दिस परपेंडिकुलर इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज NN-, और इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन विच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज कौन सा, हमारा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन आपको निकालनी है, परपेंडिकुलर लाइन विच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम NN- से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, आपकी ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, सपोज मैं इसको कंसिडर कर रहा थीटा, 30-45 जो भी डिग्री रहेगा, इसको मैं थीटा कंसिडर ना करते, चलो मैं इसको कंसिडर कर लेता आई। ये जो एंगल है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, जो आपकी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हो रही इंसिडेंट रे, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका मिरर, ये नॉर्मल, और ये जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगी और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी ना, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल आपकी रिफ्लेक्टेड रे बनाती है ना, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
दो एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ये मिरर के साथ नहीं विद द नॉर्मल, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, मिरर के साथ नहीं विद द नॉर्मल, इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके आगे का, ये जो एंगल है इट इज 90 माइनस आर, ये जो दिस इज 90 माइनस आई, मतलब इंसिडेंट रे का मिरर के साथ का जो एंगल है वो 90 माइनस आई होता है, रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ जो एंगल होता है दैट इज 90 माइनस आर, और इस एंगल को हम ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल? ग्लांसिंग, ये जो एंगल होता है उसको हम ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। सपोज आपको बोला जाए क्या कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60। क्यों? ग्लांसिंग एंगल 30 है, तो ये अगर 30 है तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 60 डिग्री। ग्लांसिंग एंगल जो होता है ना, ग्लांसिंग एंगल इंसिडेंट रे का विथ मिरर होता है, रिफ्लेक्टेड रे का विथ मिरर जो एंगल बनता है उसको हम ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ होता है? नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसका होता है? रिफ्लेक्टेड रे का, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। ये बेसिक्स है हमारे लाइट के, आगे तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हाउ टू क्रिएट अ इमेज, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, कैसे इमेज फॉर्म होती है, ये सब चीज़ें हम आगे भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का पॉइंट डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कंप्लीट 30-35 डेज का लेक्चर रहेगा इस पर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ हमारे को इसमें समझनी है और इंजॉय करना है। चलो देन, सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।